रिंकू सिंह ने सुपर ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 गेंदों में छक्के लगाए और उनकी टीम ने 17 रन का लक्ष्य 2 गेंद रहते हासिल कर लिया। इस मैच में माधव कौशिक ने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया है। सभी बातें विस्तार से करेंगे, इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। IPL में लगातार 5 छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाने वाले रिंकू सिंह ने UP T20 लीग में भी कमाल किया है। सुपर ओवर में उन्होंने लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है और फिर सुर्खियों में आ गए। इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ T20 मैच में भी उन्होंने अंत के ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की थी और भारत को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया था। यूपी T20 लीग के मुकाबले में रिंकू की टीम मेरठ मारविक्स का सामना काशी रुद्रा से था। मेरठ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बनाए। मेरठ के लिए सबसे ज़्यादा 87 रन माधव कौशिक ने बनाए। उन्होंने 52 गेंद में 9 चौके और 4 छक्के की मदद से विस्फोटक पारी खेली। रिंकू ने 22 गेंद में 15 रन की धीमी पारी खेली। हालांकि 182 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए काशी रुद्रा की टीम 7 विकेट खोकर 181 रन ही बना पाई और मैच टाई हो गया। ऐसे में सुपर ओवर के जरिए मैच का नतीजा निकाला।